हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिजिटल वोल्टमीटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, डिजिटल वोल्टमीटर के द्वारा फेस टू फेस एंड फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज किस तरह मेजर किया जाता है सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हमारे पास एक टेंस इलेक्ट्रॉनिक का डिजिटल वोल्टमीटर है जिसका कनेक्शन हम सिलेक्टर स्विच के साथ करने वाले है और वॉच करने वाले है किस तरह फेस टू फेस वोल्टेज मेजर किया जाता है। आज के वीडियो में हमारे पास टेंस इलेक्ट्रॉनिक का DJV70 मॉडल का बेस्ट डिजिटल वोल्टमीटर है जिसके द्वारा हम फेस टू फेस वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं और फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिजिटल वोल्टमीटर में हमें किस तरह से कनेक्शन करना होता है और सिलेक्टर स्विच में हमें कौन से टर्मिनल दिए जाते हैं, उनका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम वॉच कर लेते हैं किस तरह सिलेक्टर स्विच के जरिए फेस टू फेस वोल्टेज मेजर किया जाता है। देखिए अभी यह ऑफ कंडीशन में है, जैसे ही हम इसे रोटेट करते हैं तो आर फेस और वाई फेस के बीच का वोल्टेज आपको यहां पर नजर आ रहा है। अब हम यदि इसे और रोटेट करते हैं, देखिए अब हमें वाई फेस एंड बी फेस के बीच का वोल्टेज यहां पे 442 वोल्ट नजर आ रहा है। यहां पर आपको बी फेस और वाई फेस के बीच का वोल्टेज नजर आ रहा है। तो इस तरह आप सिलेक्टर स्विच को रोटेट कर तीनों फेजों के बीच का वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास जो वोल्टमीटर है, ये टेंस इलेक्ट्रॉनिक का DJV72 मॉडल का मोनोफेस वोल्टमीटर है जिसके जरिए हम फेस टू फेस एंड फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम कनेक्शन समझ लेते हैं। इस वोल्टमीटर की डिस्प्ले के लिए हमें यहाँ पे फेस और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा जिससे वोल्टमीटर में डिस्प्ले आएगा। तो देखिए इसमें इनपुट सप्लाई हमें फेस और न्यूट्रल कनेक्ट करना है और यहाँ पर आप देखिए VV आपको यहाँ पे दो टर्मिनल्स दिया गया है जो कि इसके इनपुट टर्मिनल है। यहाँ पर यदि आप फेस और न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं तो आपको फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज मिल जाएगा। यदि आप कोई भी दो फेज यहाँ पे फेस और फेस कनेक्ट करते हैं तो आपको दो फेजों के बीच का वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएगा। कनेक्शन काफी सिंपल है, लाइन और न्यूट्रल आपको डिस्प्ले के लिए कनेक्ट करना है 220 वोल्ट और V में आप जो भी टर्मिनल कनेक्ट करते हैं फेस टू फेस या फेस टू न्यूट्रल तो आपको वहां पर वोल्टेज काफी आसानी से मिल जाएगा। ये हमारे पास मोनोफेज वोल्टमीटर है, आप देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ नंबर का जो टर्मिनल दिया गया है। यदि हमें फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज में कनेक्ट करना है तो यहाँ पे हम फेस और न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे और फेस टू फेस वोल्टेज मेजर करना है तो दो फेज हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन काफी सिंपल है। देखिए इस सिलेक्टर स्विच में हमें यहाँ पे तीन फेज के लिए आर वाई एंड बी तीन टर्मिनल हमें यहां पे दिया गया है। देखिए आप यहां पे क्लियर हो जाएगा, आर वाई भी आपको तीन फेज को यहां पर कनेक्ट कर देना है। इस सिलेक्टर स्विच के जरिए हम फेस टू फेस वोल्टेज मेजर करने वाले हैं। यहां पर आपको V1 एंड V2 दिया गया है तो जो V1 एंड V2 के जो वायर आएंगे उसे हमें थर्ड और फोर्थ टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है जिससे हमें दो फेजों के बीच का वोल्टेज मिल जाएगा। इस सिलेक्टर स्विच के जरिए हम फेस टू फेस वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। यदि आपको फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज मेजर करना है तो आप डायरेक्टली वायर वहां पर कनेक्ट कर दीजिए। चलिए कनेक्शन के लिए यहां पर हमने कंट्रोल MCB लिया है जो कि हम हमारे पास वोल्टमीटर के इनपुट सप्लाई में हम फेस और न्यूट्रल कनेक्ट करने वाले हैं। देखिए जिससे हमारे पास वोल्टमीटर में डिस्प्ले आएगा। देखिए यहां से फेस और न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर लिया है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा तो चलिए सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए टेंस इलेक्ट्रॉनिक का हर एक प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है। यदि आपको इस प्रोडक्ट को परचेस करना है तो इसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। देखिए यहां पर हमें फेस को कनेक्ट कर देना है। हमारे पास देखिए वोल्टमीटर का इनपुट कनेक्शन हो चुका है फेज और न्यूट्रल। अब हमें सबसे पहले सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन करना है। यदि आप डायरेक्टली वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट हमें तीनों फेजों के बीच में वोल्टेज मेजर करना है इसलिए हम सिलेक्टर स्विच कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले आर फेज में एक वायर हम यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्शन को आप अच्छे से टाइट कीजिएगा, कहीं भी कोई लूजिंग नहीं होना चाहिए। देखिए आर फेस कनेक्ट हो चुका है। यहां पर हमें वाई फेस कनेक्ट कर देना है तो वाई फेस को हम यहां पे कनेक्ट कर लेते हैं।
देखिए वाई फेज हमारा कनेक्ट हो चुका है, अब बी फेज हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, तो बी फेज को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास तीनों फेज यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, आर वाई एंड बी। अब हमारे पास सिलेक्टर स्विच में जो वी वन एंड वी टू टर्मिनल बचा हुआ है, वहां से एक कनेक्शन हमें वोल्ट मीटर के वी वी में कनेक्ट कर देना है, क्योंकि हमारे पास ये जो वोल्ट मीटर है ये मोनोफेज वोल्ट मीटर है, और इस तरह हम तीनों फेजों के बीच में सिलेक्टर स्विच को रोटेट कर वोल्टेज मेजर कर सकेंगे। देखिए एक वायर हमने यहां पर वी वन में कनेक्ट किया है और एक वायर हमें V2 में कनेक्ट कर लेना है। जो सिलेक्टर स्विच है ये आपको फेस टू फेस और फेस टू न्यूट्रल का भी मिल जाएगा, बट हमारे पास ये जो सिलेक्टर स्विच है जस्ट फेस टू फेस का है। देखिए अब ये दो वायर को हमें ले जाकर वोल्ट मीटर में V और V में कनेक्ट कर देना है, जिससे हम वोल्ट मीटर के द्वारा जब हम सिलेक्टर स्विच को रोटेट करेंगे तो हमें फेस टू फेस वोल्टेज यहां पर मिल जाएगा। यदि आपको फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज मेजर करना है तो आप डायरेक्टली एक फेस और एक न्यूट्रल को वी एंड वी में कनेक्ट कर दीजिए। इसमें आपको किसी भी तरह से कोई सेटिंग नहीं करना है, काफी सिंपल कनेक्शन है। यदि आप बिगिनर से हैं तो भी कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए यहां पर हम इसे रोटेट करते हैं, देखिए हमें आर एंड वाई फेस के बीच का वोल्टेज मिल रहा है जो कि 441 वोल्ट आ रहा है। हम इसे और रोटेट करते हैं तो देखिए हमें Y एंड B फेज का वोल्टेज मिल रहा है। सो इस तरह आप डिजिटल वोल्ट मीटर के जरिए फेस टू फेस एंड फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज काफी आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये जो टेंस इलेक्ट्रॉनिक है तुर्की की बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। यदि आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे, और यदि आपके कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट जिसका आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। सो आज के लिए इतना ही।